सत श्री अकाल पशुपालक दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल रामगढ़िया फार्मिंग में। जो भाई हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं या जो भाई हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप पास में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हर दिन की तरह एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ आपके लिए लेकर हाजिर हैं जी। पशुपालक दोस्तों, आज चर्चा करेंगे ब्याई हुई गायों के बॉडी वेट के ऊपर। जब अपनी गाय भैंस ब्याने वाली होती है तो खून पानी की अच्छी दिखती है और एक डेयरी फार्मर अपने पशुओं से अच्छे दूध देने की उम्मीद भी रखता है। शुरू शुरू में जब पशु ब्याता है तो वह एक बार तो दूध अच्छा निकालता है, लेकिन बाद में वही पशु कमज़ोर दिखने लगता है और साथ के साथ कमज़ोर भी होने लगता है। मतलब कि उसके बॉडी वेट में कमी आने लग जाती है और जैसे ही बॉडी वेट में कमी आने लगती है उसका दूध भी कम होने लग जाता है। दोस्तों, जैसे पशु का दूध कम होगा वैसे वैसे पशु कमज़ोर होगा और पशु को बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। इससे उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और सबसे बड़ी समस्या एक डेयरी फार्मर को आती है जब वो रिपीटिंग की समस्या से जूझता है। मतलब जब आपका पशु ब्याता नहीं है, दूसरी बार पशु ज्ञापन नहीं होता है और अंत में वह पशु खराब हो जाता है और वही पशु कमाई तो क्या करवाएगा, जो दूसरे पशुओं का जो इनकम होती है उसको भी खाने लगता है। तो जो एक डेयरी फार्मर लॉस में जाना स्टार्ट हो जाता है। इससे जो डेयरी फार्मर आजकल बंद हो रहे हैं वो एक रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है, जो वो सबसे बड़ी समस्या है, इसी के कारण बंद हो रहे हैं। पशुपालक दोस्तों, अगर ऐसा कुछ ना ही हो, अपने इस चीज़ की नौबत ही ना आए, तो डेयरी फार्मिंग का बिजनेस सबसे बढ़िया धंधा है। आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात होती है वो है नस्ल। कई पशुपालक दोस्तों का लंबे समय से घर की ही पुरानी नस्ल चल रही होती है, आगे चलकर उन्हीं गायों भैंसों की बछड़ियां कटड़ियां तैयार कर रहे होते हैं और जो जैसी ब्लड लाइन है आगे चलकर भी वैसी ही ब्लड लाइन चलेगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे किसान की घर की गायें उसको ब्याते टाइम शुरू में 20 लीटर दूध देती है दिन का, बाद में वही गायें 2 महीने बाद 15 लीटर, 3 महीने बाद 10 लीटर और धीरे धीरे 5 लीटर पर आ जाती है। अब आप उस गाय की देखभाल भी अच्छे से कर रहे हो और फिर भी वह दूध कम कर रही है। जब तक वह ज्ञापन नहीं होती, 2-3 महीने की ज्ञापन होने के बाद वो बिल्कुल ही दूध कम कर जाती है और धीरे धीरे उसका दूध बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये तो डिपेंड हो गया ब्लड लाइन के ऊपर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक डेयरी फार्मर को कामयाब होना है, अगर किसी पशुपालक भाई को कामयाब होना है, तो उसको नस्ल सुधार के ऊपर काम करना ही होगा। अगर आपने नस्ल सुधार पर काम नहीं करेंगे तो अपने को डेयरी फार्मिंग बिजनेस में से सिर्फ गोबर की बचत होगी और कुछ नहीं बचेगा। आप किसी भी गाय भैंस की नस्ल में सुधार कर सकते हैं, चाहे तो वो साहीवाल गाय हैं या वो HF गाय है या वो भैंस है, मुर्रा भैंस है या कोई नीली रावी भैंस है, कोई भी पशु के ऊपर अपने नस्ल सुधार कर सकते हैं। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल बाज़ार में बहुत से अच्छे सीमन मिलते हैं, वो अपनी गायों को आगे अपने गाय भैंसों को आगे AI के टाइम बढ़िया सीमन रखवा कर अपने उनसे अच्छी नस्ल की उम्मीद रख सकते हैं। अब अपने बात ये मान के चलते हैं कि अपने को अपनी जो नस्ल है वो भी बढ़िया है, लेकिन उसके बाद भी अपनी नस्ल भी अच्छी है फिर भी अपने पशु कमज़ोर हो रहे हैं, तो उसका भी समाधान है। ना तो आपके पशु कमज़ोर होंगे और ना ही दूध ही कम होगा और पशु टाइम टू टाइम ज्ञापन भी होगा और लंबे समय तक दूध भी देगा। इससे डेयरी फार्मिंग का जो बिजनेस है वो बहुत ही बढ़िया चलेगा। पशुपालक दोस्तों, सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है, जब आपका पशु ब्याह गया है तो उसने जब बच्चे को काफ को जन्म दे दिया है तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है उसकी प्लेसेंटा अच्छे से गिरी हो, वो अच्छे से मैले पर चली हो और उसको कोई भी प्लेसेंटा के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने इस बात का खास ध्यान रखना है।
जब अपनी गायें दूध, गायें भैंस जो भी पशु है अपना जानवर है दूध पर चलता है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स दूध के साथ बाहर आ जाते हैं। अपना सबसे पहला जो फर्ज बनता है कि अपने बढ़िया कंपनी का अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर जो देना है वो अपने 50 से 100 ग्राम डेली अपने पशु को देना है, ताकि जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स अपने पशु के दूध के साथ बाहर आए हैं उनकी पूर्ति हो सके। और एक ख़ास बात का ध्यान रखना है, जब आप अपने पशुओं को जो भी मिनरल मिक्सचर देते हैं वो कंटिन्यू एक मिनरल मिक्सचर कभी ना दें। आप उस पशु को एक डेढ़ महीने बाद मिनरल मिक्सचर चेंज करके दें, इससे आपको जो रिजल्ट मिलेंगे ना वो बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। दूसरी जो ख़ास बात आपने ध्यान रखनी है, लीवर टॉनिक। ब्याए हुए पशु को जब हम संतुलित आहार जो अपने फीड डालते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि अगर कोई पशु अपना 20 लीटर दूध दे रहा है तो कम से कम उसको डेली का 8 से 9 केजी फीड देना पड़ेगा। अगर आपने उसको 8 से 9 केजी फीड भी देना है तो उसको पचाने के लिए उसका लीवर भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर अपने पशु का लीवर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको ना तो अच्छे से फीड पचेगी और वो कमज़ोर होगा और दूध भी कम होगा, और तीसरी समस्या उसको दस्त भी लगेंगे। तो सबसे बड़ी जो बात ध्यान देने वाली है, अपने पशुओं का लीवर कमज़ोर नहीं होने देना, अपने जो फीड दे रहे हैं उसको अच्छे से पचनी चाहिए। मेन जो रोल होता है पशु को फीड पचाने में वो लीवर का होता है, तो अपने अगर किसी पशु का लीवर कमज़ोर है तो वो खुद भी कमज़ोर हो जाएगा और आगे चलकर दूध भी बहुत कम देगा। तो अगर वो कमज़ोर हो गया तो दूध तो एक बार तो वो दे देगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे दूध की समस्या आएगी और बाद में वही रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आएगी। तो आपने अपने पशु को बढ़िया कंपनी का लीवर टॉनिक देना ही देना है, चाहे वो आप एक दिन छोड़ के दीजिए, दो दिन छोड़ के दीजिए, लेकिन अपने पशु को लीवर टॉनिक कभी बंद नहीं करना। अच्छा सा लीवर टॉनिक आपने देना ही देना है। और जो ख़ास बात ध्यान देने वाली है, जब आपका पशु ब्याह गया है तो आपने डीवर्मिंग, अपने पशुओं की जो डीवर्मिंग का टाइम होता है, जो पशुपालक भाई अपने गायें भैंस रखते हैं तो डीवर्मिंग का ध्यान रखना ही रखना है। आपने अपने पशु की डीवर्मिंग टाइम टू टाइम करनी ही करनी है। और मैं आपको एक ऐसी तीन या चार चीज़ें बता रहा हूँ, अगर वो चार चीज़ें आपने अपने पशुओं को अपनी फीड में देनी शुरू कर दी तो ना तो आपके पशु कभी कमज़ोर होंगे, ना ही उनका दूध कम होगा, लंबे समय गैबन होने के बाद भी वो अच्छे से दूध पर चलेंगे और रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले आपने जो आपके पशु दूध पर चल रहे हैं अगर, तो आप चूने का कैल्शियम बनाकर अपने पशुओं को दे सकते हैं। तो आपने अपने पशुओं को चूने का पानी, या तो आप जो खुरली नाद होती है उसमें पशु को चूने की पुताई कर दीजिए, इससे पशु को कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में मिलता रहेगा, या पानी में जो घोलकर जो अपने कैल्शियम तैयार करते हैं चूने के पानी का, वो अपने पशुओं को रेगुलर दें। इससे आपके पशुओं में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी और जो आपके पशु हैं उनके दूध में फैट की कमी नहीं होगी। दूसरी चीज, सरसों का तेल। शाम के टाइम जब आपके पशु दूध देकर बिल्कुल फ्री हैं, कुछ और नहीं डालना, आपने पानी भी पिला दिया है, उसके बाद 100 ग्राम डेली का आप अपने पशुओं को सरसों का तेल देना ही देना है। तीसरी बात जो मेन चीज है वो है गुड़। सर्दियों में आप अपने पशु को जो गुड़ की 100 ग्राम डेली का गुड़, 100 से 150 ग्राम डेली का गुड़ सुबह के टाइम आप अपने पशुओं को दे दीजिए, रेगुलर दीजिए। और गर्मियों में जो गुड़ है वो उसका गुड़ का पानी में रात में भिगोकर उसका शरबत तैयार करके अपने पशु को पिलाइए, आपके पशु को वो तंदुरुस्त रखेगा। गर्मियों में आपका पशु गर्मी नहीं मनाएगा और सर्दियों में आपका पशु को सर्दी नहीं लगेगी। तो गुड़ रेगुलर आपने अपने पशु को देना ही देना। चौथी, मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो औषधि इतनी कामयाब औषधि है और उसके रिजल्ट उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। उसका नाम है तारामीरा। आप जो भी फीड अपने पशुओं को डाल रहे हो उसके साथ आप अपने पशुओं को एक क्विंटल फीड के पीछे आपने 5 किलो तारामीरा की मात्रा आप अपने पशुओं को दीजिए। अगर आप एक गाय को एक महीने का एक क्विंटल फीड डाल रहे हैं तो उसमें 5 किलो फीड जरूर
5 किलो तारामीरा की मात्रा जरूर ऐड करें। तारामीरा एक ऐसी औषधि है ना, तो वो आपके पशुओं को कभी दस्त लगने देगा, वो लीवर को स्ट्रोंग बनाता है, और जो आगे चलकर गर्मियां आ रही है ना, तो आपके पशुओं को वो चीचड़ नहीं लगने देगा। अगर आपके पशुओं को चीचड़ नहीं लगेंगे तो चीचड़ से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो नहीं लगेंगी। और चीचड़ एक ऐसा जानवर है जिससे वो पशु को इतना कमज़ोर कर देता है, पशु का खून पीने लग जाता है, पशु कमज़ोर दिखने लगता है। तारामीरा अगर आप अपने पशुओं को रेगुलर दे रहे हैं तो आपको इन समस्याओं का सामना कभी भी नहीं करना पड़ेगा, आपके पशु बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो इसी किसान साथियों, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको वीडियो में बता दी हैं, तो आपको कभी भी ना तो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आएगी, ना आपके पशु ब्याने के बाद कमज़ोर होंगे, और ना ही आपके पशु का कभी दूध कम होगा, वो बाल्टियां भर भर के दूध देंगे, और डेयरी फार्मिंग बिजनेस एक कामयाब बिजनेस बनेगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।